हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार शर्मा का फिर से बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। यदि आप पैसों का लेन देन करने के लिए अपने मोबाइल फोन में पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि अब आप अपने मोबाइल फोन में पेटीएम यूपीआई लाइट एक्टिवेट कर बिना यूपीआई पिन डाले तेजी के साथ पैसों का लेन देन कर सकते हैं। और पेटीएम यूपीआई लाइट एक्टिवेट करने पर आपको 100 रुपए तक का कैशबैक भी मिलता है। हम आपको इस वीडियो के अंदर पेटीएम यूपीआई लाइट का पूरा प्रोसेस A to Z कर दिखाएंगे कि पेटीएम यूपीआई लाइट कैसे एक्टिवेट करते हैं, पेटीएम यूपीआई लाइट से बिना यूपीआई पिन डाले पैसों का लेन देन कैसे करते हैं। परंतु आप इस वीडियो का पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि अभी पेटीएम यूपीआई लाइट के अंदर कौन कौन से बैंक हैं जो अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं पेटीएम यूपीआई लाइट के क्या क्या फायदे हैं और पेटीएम यूपीआई लाइट एक्टिवेट कर पैसों का लेन देन कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन में गूगल प्ले स्टोर पर जाकर पेटीएम ऐप को इंस्टॉल करें। यदि आपके मोबाइल फोन में पहले से ही पेटीएम ऐप इंस्टॉल है तो उसे आप पहले एक बार अपडेट कर लें और अपडेट करने के बाद उसे ओपन करें। अब जैसे ही आप पेटीएम ऐप को अपने मोबाइल फोन में ओपन करेंगे तो यहाँ होम स्क्रीन पर ही आपको पेटीएम यूपीआई लाइट का एक पॉपअप शो होगा, जिसके अंदर साफ तौर पर लिखा है कि गेट अप टू 100 कैशबैक। यदि आप पेटीएम यूपीआई लाइट को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो नीचे यहाँ लिखा है एक्टिवेट नाउ, आप इस पर क्लिक कर इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। यदि आपके पेटीएम के अंदर ये पॉपअप शो नहीं होता है तो आप यहाँ ऊपर देखेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक्टिवेट यूपीआई लाइट अकाउंट। यहाँ पर भी आप लिखा हुआ देख सकते हैं कि यदि आप पेटीएम यूपीआई लाइट को एक्टिवेट करते हैं तो आपको 100 रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है। अब आप यहाँ से पेटीएम यूपीआई लाइट को एक्टिवेट करने के लिए नीचे एक्टिवेट नाउ पर क्लिक कर भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अब यदि यूपीआई लाइट का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी नहीं मिलता है तो आपको यूपीआई लाइट का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, आप यहाँ पर क्लिक कर भी यूपीआई लाइट को एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे ही आप यूपीआई लाइट के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से यूपीआई लाइट एक्टिवेट करने के लिए बैंक अकाउंट सिलेक्ट करने का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ ऊपर यूपीआई लाइट के बारे में दी गई जानकारी को आप रीड कर सकते हैं। यूपीआई पर हर महीने अरबों का ट्रांजेक्शन होता है, जिसकी वजह से कई बार यूपीआई हैंग भी हो जाता है, लेकिन इस समस्या से निजात आने के लिए और लोगों की सहूलियत के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI ने पिछले साल सितंबर में यूपीआई लाइट पेश किया था। यूपीआई लाइट की मदद से छोटे छोटे ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं। यही कारण है कि यूपीआई लाइट आपको एक बार में केवल 200 रुपए तक का ही ट्रांजैक्शन करने की सुविधा देता है। इसके बारे में आप यहाँ पर लिखा हुआ भी देख सकते हैं। पहले इसे भीम यूपीआई के अंदर लाया गया था, अब पेटीएम में पेमेंट करने के लिए भी इस प्लेटफॉर्म को लागू कर दिया गया है। अब आपने पेटीएम के अंदर जो भी बैंक ऐड किया होगा वो बैंक आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। यदि आप किसी और बैंक को ऐड कर यूपीआई लाइट को उसके साथ एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप नीचे ऐड ए न्यू बैंक अकाउंट पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने इस तरह से सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर दिए गए बैंक्स में से आप जिस भी बैंक को अपने पेटीएम के अंदर ऐड कर लिंक करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ पर बैंक ढूंढने में दिक्कत होती है तो ऊपर आप सर्च बॉक्स में अपने बैंक के शुरू के कुछ अक्षर टाइप करेंगे तो आपका बैंक शो कर जाएगा, आप उसे ऐड कर सकते हैं। परंतु यदि आप यूपीआई लाइट के लिए कोई बैंक यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूपीआई लाइट के लिए केवल अभी 9 बैंक ही ऐसे हैं जो सुविधा दे रहे हैं, और उन 9 बैंकों के नाम हैं कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, इंडियन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन 9 बैंकों के अलावा यदि किसी और बैंक के अंदर आपका अकाउंट है तो अभी आपको कुछ समय इंतजार करना होगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारी पेटीएम ऐप के अंदर हमारे 2 बैंक लिंक है, एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा पंजाब नेशनल बैंक। ये दोनों ही बैंक यूपीआई लाइट की सुविधा दे रहे हैं, तो हम इन दोनों में से किसी भी बैंक को यूपीआई लाइट के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लिया है। इसी तरीके से आप भी अपने बैंक को यहाँ से सिलेक्ट कर लें यूपीआई लाइट के लिए, उसके बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब यहाँ से आपको यूपीआई लाइट के अंदर बैलेंस ऐड करने को कहा जा रहा है। यहाँ आप साफ तौर पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि आप यूपीआई लाइट के अंदर 1 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के बीच में कितने भी पैसे ऐड कर सकते हैं। अब आप यहां से यूपीआई लाइट के अंदर जितना भी पैसा ऐड करना चाहते हैं वो पैसे यहां टाइप कर नीचे ऐड मनी टू यूपीआई लाइट के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपसे आपका पेटीएम का यूपीआई पिन मांगा जाएगा। जैसे ही आप यूपीआई पिन एंटर करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटकर यूपीआई लाइट के अंदर ऐड हो जाएगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने 100 रुपए यूपीआई लाइट के अंदर ऐड किए हैं, तो यहां पर सक्सेसफुली 100 रुपए हमारे बैंक अकाउंट से कटकर यूपीआई लाइट के अंदर ऐड हो गए हैं। इसी तरह से मान लीजिए कि हम यूपीआई लाइट के अंदर 1000 रुपए ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ 1000 रुपए टाइप कर नीचे जैसे ही ऐड मनी टू यूपीआई लाइट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अपना यूपीआई पिन टाइप करेंगे तो हमारे बैंक अकाउंट से 1000 रुपए कटकर यूपीआई लाइट के अंदर ऐड हो जाएंगे।
अब आप देख सकते हैं कि हमने UPI लाइट के अंदर पहले 100 रुपए ऐड किए, उसके बाद 1000 रुपए ऐड किए, तो टोटल यहाँ पर हमारे 1100 रुपए UPI लाइट के अंदर ऐड हो चुके हैं। आइए आपको लाइव प्रोसेस कर दिखाते हैं कि इन पैसों को यदि हम किसी को ट्रांसफर करेंगे तो क्या पेटीएम हमसे UPI पिन मांगेगा या नहीं। अब किसी को पैसे ट्रांसफर करने के लिए या किसी को पेमेंट करने के लिए नीचे स्कैन क्यूआर कोड पर क्लिक कर क्यूआर कोड को स्कैन कर भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर UPI मनी ट्रांसफर में मोबाइल नंबर या नाम डालकर भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेटीएम ने अपने यूजर्स को यह भी आश्वासन दिया है कि UPI लाइट बिजी लेन देन के घंटों के दौरान भी कभी विफल नहीं होगा। मान लीजिए कि हम यहाँ से 100 रुपए इन्हें ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर 100 रुपए टाइप कर जैसे ही पे पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर पेमेंट करने के लिए ऑप्शन खुल जाएगा कि हम बैंक अकाउंट के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं या फिर UPI लाइट के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं। तो आप ऊपर देख सकते हैं कि अभी हमने UPI लाइट के अंदर 1100 रुपए ऐड किए थे, जो कि UPI लाइट के अवेलेबल बैलेंस में शो कर रहे हैं। तो हम ये 100 रुपए की पेमेंट UPI लाइट के द्वारा करना चाहते हैं, इसलिए हम UPI लाइट सिलेक्ट कर नीचे जैसे ही पे सिक्योरली पर क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर कोई भी UPI पिन एंटर करने को नहीं कहा जाएगा। डायरेक्ट ये 100 रुपए हमारे UPI लाइट बैलेंस से कट कर जिन्हें हमने ट्रांसफर किए हैं उनके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएंगे। आप यहां लिखा हुआ देख सकते हैं सेंड सक्सेसफुली अमाउंट 100 रुपीज। यहां आपको कैशबैक के लिए कूपन्स मिलते हैं, इन्हें स्क्रैच कर आपको कैशबैक भी मिल सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि UPI लाइट का बैलेंस आप कैसे चेक करेंगे कि आपके UPI लाइट के अंदर कितना बैलेंस बचा हुआ है। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन में पेटीएम ऐप ओपन करेंगे, इसके बाद यहां पर बैलेंस एट हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो आपके बैलेंस की सारी हिस्ट्री खुलकर आपके सामने आ जाएगी। सबसे ऊपर यहां पर आपके पेटीएम के अंदर जितना भी बैलेंस होगा यहाँ ऊपर आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। हमारा यहाँ पर पेटीएम बैलेंस 0 है तो हमारा यहाँ पर 0 लिखा है। उसके नीचे UPI लाइट बैलेंस आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। जिस तरह से हमारे UPI लाइट के अंदर 1000 रुपए का बैलेंस है तो यहाँ पर 1000 रुपए शो कर रहा है। उसके नीचे आपके पेटीएम के अंदर आपने जितने भी बैंक ऐड किए होंगे उनके अकाउंट आपको शो कर जाएंगे। यदि आप अपने बैंक का बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो उसके सामने चेक बैलेंस पर क्लिक कर आप अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। उसके नीचे पेमेंट हिस्ट्री में आप चेक कर सकते हैं कि आपने कब कब कैसे कैसे और कहां कहां पर पेमेंट की है। UPI लाइट से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें कि आप UPI लाइट को बिना इंटरनेट के यूज नहीं कर सकते। पेटीएम में बैंक अकाउंट लिंक किए बिना आप पेटीएम UPI लाइट को एक्टिवेट कर यूज नहीं कर सकते। UPI लाइट में ऐड किए गए बैलेंस को आप किसी के भी बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बिना UPI पिन डाले ट्रांसफर कर सकते हैं, और UPI लाइट की मदद से बिना UPI पिन डाले एक बार में 200 रुपए की किसी भी तरह की किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। आप जब भी चाहें UPI लाइट के बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर क्रेडिट कर सकते हैं। भीम UPI में UPI लाइट एक्टिवेट कर कैसे इस्तेमाल करते हैं इसकी पूरी जानकारी के लिए आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये वीडियो आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। UPI लाइट की अन्य किसी जानकारी के लिए आप हमें नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं।